नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ठग लाइव। तो उस पर देखते हैं, कई लोगों ने रिएक्शन वीडियो बनाया, तो देखते हैं क्या है सभी लोगों का रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। वंदे मातरम राजभक्तो। राजभक्तो, आपको इस वीडियो का थंबनेल देखकर पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो श्री नरेंद्र मोदी और श्री योगी आदित्यनाथ पे बेस्ड है। ये वीडियो एक ठग लाइव वीडियो भी है और एक ट्रिब्यूट वीडियो भी है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि बहुत कम ही नेता ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं, तो ये वीडियो इसी बारे में है। और साथ ही साथ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आप इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। वंदे मातरम और जय श्री राम। वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इतनी यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बनाते हैं। पुराने शहर में नालियां हैं, हाँ चाय वाले चौकीदार नालियां हैं, पाइप लेकर आजा, गैस निकाल। हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या आपके नजरिया है? राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई नजरिया नहीं बताते। चाहे भी दुकान पर रुकने वाले का कभी नजरिया राष्ट्रीय नहीं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माननीय इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं श्री आनंद महिंद्रा, चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। दोस्त, ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है ना? हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ।
आएगी। तो सर बेसिकली तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। अब आप कह रहे हो कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहाँ पे किसान की मदद करो, लेकिन भाइयों बहनों ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उन्होंने उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतने प्यार से इतनी मीठी बात करते हैं जी, आप भी सोच लेंगे यार नहीं नहीं पाकिस्तान सुधर गया है। पुलवामा के बाद मैं उनकी बहुत मीठी मीठी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई आपकी बहुत बातें सुन चुका हूँ, आप करते नहीं कुछ, हमारे यहाँ इतने लोगों को मार दिया, आपको हमने सबूत दे दिए, हमने एविडेंस दे दिए, उनकी टेलीफोन दे दिए, सब दे दिया, लेकिन आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और 10-10 साल हो गए। तो अगर ठीक है, अब हमारी सेना को जितना आता है वो करते रहेंगे। लेकिन आप भी तो ऐसे काम करते हैं ना, आप पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खड़ों छुए वापस आ गए। वो जो 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 गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सिस्टम में यहाँ के लोग जो टीवी पर वगैरह दिखाते उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा, इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहां रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहां रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से अब तो इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बना दिया, इसी तरीके से कई कर दिए, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद इन सब शहरों के नाम बदल जाएंगे? मुझे लगता है कि जो नाम अनुकूल है, अगर अकबरपुर अंबेडकर नगर हो सकता है तो फैजाबाद का नाम भी साकेतपुरी या अयोध्या हो। जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है, क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप, क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना चाहते हैं? तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं, ये वे लोग कर रहे हैं जो उनको उस प्रकार का देने के लिए उतावले दिखाई देते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं अगर जाति नहीं, मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको। देश के हित में होगा, हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लॉन्ग लपेट की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो। लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़के जी,
राहुल जी यहां पर सदन में नहीं है, मैं उनसे एक वर्ष छोटा हूं उम्र में, और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है, अखिलेश यादव से एक वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।